So listen what I did. I was trying to film a vlog about completing my college assignments in 24 hours, मतलब जितना हो सके उतना, क्योंकि दिवाली की वजह से कुछ हो ही नहीं पाया, सब कुछ पेंडिंग है सब कुछ, और सब मुझे दिवाली वैकेशन से पहले सबमिट करवाना है। मैंने सुबह से थोड़ा बहुत व्लॉग किया, फिर पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा क्या हो गया कि मैंने सारी फुटेज डिलीट कर दी, लिटरली सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। मुझे ना स्ट्रेस हो गया था कि मैं कैसे ब्लॉग भी करूँगी, देन मैं अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करूँगी, और मुझे आज एक ब्लॉग अपलोड करना था लेकिन अब मुझसे हो नहीं पाएगा बिकॉज एडिट ही हुआ नहीं है वो वीडियो, तो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। एंड देन आई वेंट टू बाय ब्रेड पकौड़ास, मेरा प्यार। अब मैं खाऊंगी एंड फिर थोड़े अपने आप को शांत करूंगी। आई थिंक आई शुड टेक इट स्लो, यू नो, लुक एट दिस स्टफ, आई हैव सो मच वर्क टू फिनिश। सो अभी पूरा दिन मैं यही करने वाली हूँ, एंड कल कॉलेज जाना है क्योंकि कल सबमिट करवाना है, हो सके तो। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, हाय गाइस, सो दिस इज 2 days after I last vlog. मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, जैसे कि मैंने बताया इस पूरे वीक मुझे जर्नल सबमिट करवानी थी और लिखना भी बहुत था, तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। एंड कॉलेज में भी मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा बहुत तो फुटेज लूँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया मुझसे, बिकॉज माई फुल फोकस वॉज टू चाटोइंग माई प्रोफेसर। मुझे कैसे भी करके साइन चाहिए थे अपनी जर्नल्स पे, और इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेट मी टेल यू। प्रोफेसर की इतनी चाटनी पड़ती है, समझ जाओ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रोफेसर की पर्सनल लाइफ में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बातें करनी पड़ती है अच्छी अच्छी। सो दैट्स वॉट आई डिड, ओके। एंड अभी रात के 8 बज रहे हैं, ओके। सो आई एम इन दिस हाउस एंड आई एम लिविंग अलोन टूडे बिकॉज मेरा भाई आज यहाँ पर नहीं आने वाला था। सो लेट मी शो यू व्हाट आई मेड व्हेन आई एम अलोन इन दिस हाउस फॉर डिनर। नथिंग, आई मेक नथिंग बिकॉज आज पूरा दिन मेरा एडिटिंग में गया है एंड आई एम रियली टायर्ड एज यू कैन सी बाय माई फेस। अदर थिंग दैट यू नो दैट आई एम रियली स्ट्रेस इज दैट आई एम स्पीकिंग अलॉट एंड वेरी फास्ट, दैट्स हाउ यू नो दैट आई एम वेरी स्ट्रेस एंड आई नीड फूड। सो अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ खाना लेने के लिए, आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्या मिलेगा। पानी पूरी तो मैं खा नहीं सकती जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, मैं पानी पूरी नहीं खा पाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। दिस व्लॉग इज़ वेरी ऐसा क्या बोल सकते हैं, अव्यवस्थित। आई वॉज सो हंग्री कि मैं ब्लॉग करना ही भूल गई। मैं एकदम भागती भागती गई हूँ, खाना लिया है और मैं वापस आई हूँ। एंड मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन के बैग के मेरे से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट इट्स फॉरगेट इट। मतलब बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है, मतलब बार बार चेक करना पड़ता है कैमरा एंगल सही है कि नहीं और फुटेज सही आई है कि नहीं। आई विल जस्ट ब्लॉग विद फ्रंट कैमरा। इस ब्लॉग का नाम रखेंगे I talked a lot in this vlog. I bought vegetable sandwich because I was craving for vegetable sandwich. Makes sense. And मैं कोई चीज़ लेने जाऊँ और मैं सिर्फ वही चीज़ लेके आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें आ ही जाती है। सो आई बॉट दाबेली ऑल्सो। आई एम नॉट इन मूड टू ईट स्पाइसी, बट यू नो सैंडविच को थोड़ा बैलेंस करने के लिए एक दाबेली ले ली, मतलब एक बाइट सैंडविच जो एकदम थोड़ा स्वीट चीज़ी टाइप का होगा और एक बाइट दाबेली जो थोड़ी स्पाइसी होगी, बैलेंस। लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग फ्रॉम टुमारो बिकॉज कल भी कुछ खास। अभी इतनी रात को भी कंस्ट्रक्शन वॉइस आ रहा है यार, आई एम सॉरी, आई एम वेरी पिस्ड। कल भी बहुत कुछ होने वाला है, मैं शायद अपने नानी के घर जाने वाली हूँ एंड कल एक मेजर टास्क करना है, मेजर टास्क। ओके, बता ही देती हूँ क्या करना है।
सो ये मेरे भाई का रूम है और इसके लिए हम दो कर्टन्स लाए थे. सो हियर आर द कर्टन्स. हमने हैंडलूम से कर्टन लिए थे और द थिंग इज हम है ना मेजर करके नहीं गए थे कि हमें कितने फिट के लाने हैं, तो हम छोटे लेके आ गए गलती से. और इसे लाए भी आई गेस एक वीक से ऊपर हो चुका है एंड हमारे पास ना बिल है, मतलब हमने अभी तक स्टिकर निकाला नहीं है. सो वी कैन ट्राई टू जस्ट रिटर्न इट और एक्सचेंज इट. तो कल वो करने जाना है बिकॉज अगर वो नहीं हुआ ना तो मेरी वाट लगने वाली है, बिकॉज मैंने ज़िद की थी कि प्लीज़ इसे ले लो, ये बहुत अच्छे हैं. सो अब मेरी वाट लगी अगर ये एक्सचेंज नहीं हुए तो. I'm not a good messenger. Hope you know, cause I think about all the stupid things that you don't. Should I talk about my messy hair or tell a joke? I don't know which one you care for or if you're already bored. Small talk is stupid, but it's all needed. If we talk about nothing, then we'll talk about our feelings. And who wants to talk about that? It'll mess up all the fun that we have.